सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी दुनिया को और बेल आइकॉन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। टेक्नोलॉजी दुनिया से और आज आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे MIA1 के बारे में, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, डिज़ाइन जो है बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों MI5X से। चाइना में इस डिवाइस को MI5X के नाम से लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको इस डिवाइस को रीब्रांड कर दिया गया है और इसमें आपको एंड्रॉयड 1 मिलता है, मतलब कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। चाइना वाले वेरियंट में आपको वहाँ पर MIUI मिलता था, यहाँ पर लेकिन आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस के साथ, डिज़ाइन के साथ बिल्कुल ये डिवाइस सिमिलर है MI5X से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। दोस्तों अगर डिजाइन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन के बॉटम में आपको 3 कैपेसिटी बटन्स मिलती है। स्क्रीन के टॉप में आपको कुछ सेंसर्स मिलते हैं और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो वहां पर आपको सिम ट्रे मिलता है। राइट हैंड साइड की अगर बात करूं तो वहां पर आपको वॉल्यूम रॉकर पावर बटन मिलता है दोस्तों। अगर फोन के टॉप की बात की जाए तो वहां पर आपको इंफ्रारेड और सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है दोस्तों। अगर फोन के बॉटम की बात की जाए तो वहां पर आपको USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स, 3.5mm ऑडियो जैक और माइक्रोफोन मिलता है दोस्तों। अगर फोन के बैक की बात की जाए तो वहां पर आपको डुअल कैमरास मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, MI और एंड्रॉइड 1 की ब्रांडिंग मिलती है दोस्तों। तो बात करते हैं इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि बिल्कुल सिमिलर है MI5X से। दोस्तों अगर स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर मिलता है। 4GB की रैम मिलती है, 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है, जिसको आप 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। माइक्रो SD कार्ड लगाकर यहाँ पर आपको डुअल सिम डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है दोस्तों। तो आप एक समय पर एक ही सिम यूज कर सकते हो और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, जो कि इसका मेन हाईलाइट पॉइंट है। यहाँ पर आपको डुअल रेयर कैमरास मिलते हैं, जो कि 12 मेगापिक्सल ईच है। एक कैमरा में आपको 12 टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसका माइक्रोन पिक्सल साइज जो है 1 माइक्रोन है। और दूसरा जो कैमरा है वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जिसका माइक्रोन पिक्सल साइज जो है 1.25 माइक्रोन पिक्सल्स है। दोस्तों अगर एपर्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको वाइड एंगल लेंस कैमरा में f2.2 का एपर्चर मिलता है और टेलीफोटो लेंस वाले कैमरा में आपको 2.6 का एपर्चर मिलता है दोस्तों। दोस्तों इस डिवाइस में पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, जिससे आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। यहाँ पर आप फोटो सैंपल्स देख सकते हो स्क्रीन पर, कुछ सैंपल्स है जिसमें आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, जिसको बोके इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर आपको 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, GPS मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। और अगर सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक्सीलोमीटर मिलता है, एम्बिडेंट लाइट सेंसर मिलता है, जायरोस्कोप मिलता है, इंफ्रारेड मिलता है, मैग्नेटोमीटर मिलता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है दोस्तों। दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3080 mAh की बैटरी मिलती है। दोस्तों अगर इस डिवाइस के कुछ और फीचर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको 10V स्मार्ट पावर एम्पलीफायर मिलता है, DHS ऑडियो कैलिब्रेशन एल्गोरिदम मिलता है एंड सपोर्ट फॉर हाई इंडिपेंडेंस हेडफोन मिलता है दोस्तों। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड नोगट मिलता है और कंपनी ये क्लेम करती है कि इस साल के एंड तक आपको एंड्रॉइड ओयो का अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर इस डिवाइस के साथ मिलने वाले ऑफर के बारे में बात की जाए तो अगर आप एयरटेल यूजर हो तो यहाँ पर आपको 200GB का 4G डेटा फ्री मिलता है स्मार्टफोन के साथ। दोस्तों अगर इस डिवाइस के प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर इस डिवाइस का प्राइस 15,000 रुपये रखा गया है। आप इसे फ्लिपकार्ट या फिर MI.com से सितंबर 12 से खरीद सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरी ओपिनियन के बारे में। दोस्तों अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो यहाँ पर 15,000 रुपये में यह वन द बेस्ट डिवाइस हो सकता है। यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम मिलती है, 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। हालांकि इस सेगमेंट में सारे स्मार्टफोन सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, जिसमें कि एक कैमरा टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, दूसरा वाइड एंगल लेंस के साथ, सिमिलर है iPhone 7 Plus के कैमरा से। यहाँ पर गूगल ने यह भी बोला है कि वो अनलिमिटेड फोटोज और वीडियो स्टोरेज करने के लिए इस डिवाइस को सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हो डेटा अपने गूगल ड्राइव पर। साथ साथ यहाँ पर आपको एयरटेल का 200GB का डेटा ऑफर भी मिलता है। दोस्तों अगर इस डिवाइस का कंपैरिजन हो सकता है तो मोटो G5S प्लस से हो सकता है। उसमें भी सेम स्पेसिफिकेशंस दिया गया है, लेकिन वहां पर कैमरा थोड़ा डिफरेंट है, वहां टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है दोस्तों। उसकी कीमत 16,000 रुपये रखी गई है। अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है दोस्तों शाओमी MIA1, तो आप स्मार्टफोन के साथ जाओ, बिना कोई टेंशन लिए जाओ।
ये डिवाइस 15,000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो इस डिवाइस को। सितंबर 12 से आपको ये डिवाइस मिलेगा फ्लिपकार्ट और mi.com पर, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव रह गया दोस्तों तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।